हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल गुरुग्राम में आरटीसी भोंडसी में शस्त्र लाइसेंस से संबंधित 14 शस्त्र लाइसेंस सेवाओं और 6 अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमावली के अनुसार इन सेवाओं के लिए पहले जो समय सीमा निर्धारित थी उसमें संशोधन किया गया है और अब मात्र 25 दिन में लाइसेंस प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। और शस्त्र तथा गोला बल प्रशिक्षण संस्थान, इन दोनों का शुभारंभ जो किया गया है इस अवसर पर, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। हमारे राइट टू सर्विस एक्ट के अंतर्गत ये सेवाएं भले नहीं हैं, लेकिन जो नियमावली बनी हुई है उसमें भी इस सर्विस का कभी 60 दिन कभी 90 दिन अलग अलग प्रकार की सेवाओं के लिए दिन तय किए गए थे, लेकिन जब ध्यान किया गया तो लगा कि ये समय भी बहुत अधिक है, तो उसके लिए फ्लो चार्ट बनाने के लिए मैंने अपने अधिकारियों से जो कहा तो उन्होंने फ्लो चार्ट बनाया, तो ध्यान में आया कि हम ये सारा काम एप्लीकेशन से लेकर के और लाइसेंस तक मात्र 25 दिन में दे सकते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने भी चंडीगढ़ में शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। गृह मंत्री ने कहा कि जो पात्र व्यक्ति शस्त्र संचालन और फायरिंग सीखना चाहते हैं उन आवेदकों के लिए शस्त्र और गोला बारूद सुरक्षा प्रशिक्षण भी है। ये प्रशिक्षण 3 दिन की अवधि का होगा। इस कार्य में अब किसी भी बिचौलिए का कोई काम नहीं रहेगा। ये शस्त्र लाइसेंस के आवेदन और प्रशिक्षण के लिए ये ऑनलाइन व्यवस्था आज से शुरू की जा रही है। जितनी भी इसे संबंधित सूचनाएं हैं या काम हैं उसके लिए किसी को भी किसी भी दफ्तर में जाना नहीं पड़ेगा।